नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 8-9 दशकों में बहुत से बड़े कलाकार हुए, एक से बढ़कर एक अभिनेता, अभिनेत्रियां, गीतकार, गायक, गायिकाएं, कोरियोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, निर्देशक ने इस इंडस्ट्री को जो दिया वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किसी धरोहर से कम नहीं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और देश के आजाद होने के बाद ऐसे कई गीतकार और गायक गायिकाएं हुई जिन्होंने अपने गानों से कई नई क्रांति तकला दी। हमारे इस खास पेशकश में देखिए आज उस गायिका की कहानी जिसे स्वर कोकिला कहा जाता है। हमारे देश में किसी गायक गायिका का जिक्र होता है तो उसमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर का नाम हमेशा से विशिष्ट सम्मान के साथ लिया जाता है। मौजूदा दौर में चाहे कोई कितना ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गायक क्यों ना हो, जब लता मंगेशकर से मिलता है तो उनके चरणों में बैठकर खुद को धन्य पाता है। लता मंगेशकर जिन्होंने अपने 6 दशक से ज्यादा समय के फिल्मी संगीत के करियर में उन बुलंदियों को छुआ जो उनके जमाने में किसी महिला को मिलना अपने आप में खास बात हुआ करती थी। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर जन्मी इस बच्ची का नाम पहले हेमा रखा गया, लेकिन महज 5 साल की उम्र में इनके पिता ने इनका नाम बदलकर लता मंगेशकर रख दिया। जी हाँ, कहते हैं कि लता की शिक्षा के पीछे एक बेहद मज़ेदार कहानी है जो कि बेहद रोमांचक है। दरअसल अपने स्कूल के पहले दिन लता अपनी बहन आशा, मशहूर सिंगर जी हां आशा भोसले को अपने साथ स्कूल ले गई, जिससे अध्यापक नाराज़ हो गए और अध्यापक ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया ये कहकर कि आशा की भी फीस लगेगी, जिससे लता इतनी आहत हुई कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो जिंदगी भर कभी स्कूल नहीं जाएंगी। लता को अपने करियर में मान सम्मान बहुत मिले हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। इतना ही नहीं, उनके अलावा ये सम्मान पाने का सौभाग्य सत्यजीत रे को ही मिल सका है। इसी क्रम में साल 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर भी प्राप्त है। लता मंगेशकर को लेकर एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, वो ये कि उनकी एक बार उनके सहकर्मी और मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी के साथ बोलचाल बंद हो गई थी। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर वो क्या कारण था जिसके चलते दोनों दिग्गजों ने काफी समय तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। असल में समय ऐसा था कि जब लता मंगेशकर गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थी, तबकि मोहम्मद रफी ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की। उनके इस कदम से सभी गायकों को धक्का पहुंचा। लता और मुकेश ने रफी को बुलाकर समझाना चाहा, लेकिन मामला उलझता ही चला गया। दोनों का विवाद इतना बढ़ गया था कि मोहम्मद रफी और लता के बीच बातचीत भी बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गीत गाने से इनकार कर दिया था। हालांकि 4 साल के बाद अभिनेत्री नरगिस के प्रयास से दोनों ने एक साथ कार्यक्रम में दिल पुकारे, आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी गीत गाया। लता मंगेशकर को लेकर एक बड़ा खुलासा उनकी बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में किया था। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि साल 1962 में लता को जब वो 32 साल की थी तो उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। हालांकि इस मामले में कभी खुलासा नहीं हो सका कि आखिर इन्हें मारने की कोशिश किसने की, वो कौन लोग थे जो लता मंगेशकर को मारने की साजिश रच रहे थे। लता का शादी न करने का ये था कारण। इस बात की चर्चा बहुत होती है कि इतने सफल करियर के बावजूद आखिर लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की। इस मुद्दे पर उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि हमारी छोटी आयु में ही हमारे पिता का निधन हो गया था, ऐसे में घर के सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता भी था तो उस पर अमल नहीं कर पा सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी, सोचा कि पहले सभी छोटे भाई बहनों को व्यवस्थित कर दूं, फिर बहन की शादी हो गई, बच्चे हो गए तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी आ गई। इस तरह से वक्त निकलता चला गया।
हालांकि उनकी शादी को लेकर उस समय की मीडिया में कुछ खबरें प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार बात कुछ और भी थी। असल में राजस्थान के डूंगरपुर राजघराने के राज सिंह डूंगरपुर की दोस्ती लता मंगेशकर से हुई। असल में राज सिंह की दोस्ती लता के भाई से थी, वो दोनों साथ में क्रिकेट खेला करते थे। अपनी पढ़ाई के लिए राज सिंह मुंबई गए, जहाँ उनकी दोबारा लता मंगेशकर से मुलाकात हुई। लता के भाई से मिलने कई बार राज सिंह अक्सर उनके घर जाते थे। समय के साथ उनकी लता मंगेशकर से दोस्ती हो गई, हालांकि दोनों की शादी नहीं हो सकी। इसके पीछे का कारण था राज सिंह को अपने पिता को दिया गया वचन, जिसमें उन्होंने किसी आम लड़की को राजघराने की बहू नहीं बनाने की बात कही थी। इस कारण उनकी शादी नहीं हुई। शायद यही कारण रहा कि दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे से शादी नहीं की, हालांकि दोनों की दोस्ती रही। किशोर दास से मुलाकात का रोचक किस्सा। लता दीदी ने अपने करियर में कई मशहूर गाने किशोर कुमार के साथ मिलकर गाए। इन दोनों दिग्गज गायकों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बड़ा अजीब रहा। असल में 40 के दशक में लता मंगेशकर ने फिल्मों में गाना शुरू किया था, तब वो लोकल ट्रेन पकड़कर स्टूडियो पहुंचती थी। लता दीदी बताती हैं कि किशोर कुमार से मेरी मुलाकात उस समय हुई थी जब मैं संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी के साथ काम कर रही थी। मैं ग्रांट रोड से मलाड तक ट्रेन से जाती थी। एक दिन किशोरदा महालक्ष्मी स्टेशन से लोकल ट्रेन में मेरे कंपार्टमेंट में चढ़े। मुझे लगा मैं इन्हें पहचानती तो हूँ, मगर कौन है। वो कुर्ता पजामा पहने थे, गले में स्कार्फ बांधे और हाथ में एक छड़ी थी। स्टेशन में से बॉम्बे टाकीज की ऑफिस दूर था। मैं कभी पैदल तो कभी तांगा लेती थी। उस दिन तांगा लिया, मैंने देखा कि उनका तांगा मेरे पीछे था। मुझे लगा कि कुछ असामान्य हो रहा है, वो व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा था। मैं सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची, जहाँ संगीतकार खेमचंद प्रकाश बैठे हुए थे। मैंने हफ्ते हुए पूछा, वो लड़का कौन है, वो मेरा पीछा कर रहा है। खेमचंद प्रकाश जी ने किशोर कुमार को देखा और हंसते हुए कहा, ये किशोर कुमार हैं, अभिनेता अशोक कुमार के भाई। अगर लता मंगेशकर के करियर की बात करें तो साल 1942 में उन्होंने एक मराठी फिल्म में अभिनय भी किया था। उन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मधुमती पसंद आती है, लेकिन उनकी मोस्ट फेवरेट फिल्म द किंग एंड आई है। इसके साथ ही साल 1943 में प्रदर्शित फिल्म किस्मत उन्हें इतनी पसंद है कि वो इस फिल्म को अब तक 50 से ज्यादा बार देख चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।